वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन गोद विच घर दी शान दे दीवाना अंदर कदम कदम चलते हुए बैठे सर्वात्माई भाई वड्डियां बातां वाले हो जिन्हां नूं ये भागां भरिया समां प्रभु दे गुणां नूं सुणाउंदा मिलदा है। आओ इस वक्त नूं सफला बनाइए, सतगुरां दे पावन जीवन दी लड़ीवार कथा जिस विचों आप जी ने सरवण कीता, उड़ीसा के मंदिर जगन्नाथपुरी विच गुरु नानक साहब जी ने अकाल पुरख की आरती में उच्चारण करके इथों के लोगों को सीधे राह पाया। तकरीबन दो दिन सतगुरां ने इत्थे बतीत कीते, इत्थों ही अगले सफर दौरान समुद्र के किनारे किनारे चले। एक थान ते बैठ के सतगुरां का हुक्म पा के भाई मरदाना जी ने ਧੁਰਗੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਚੁਗਿਆੜ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਹੇਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਬਣਾਈਏ, ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਓ ਆਸੀਸ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਮਾਨਵ ਪਰਾ ਬ੍ਰਿਕ ਖਾਨ ਤੇ ਆਏ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਅਚਨਚੇਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਪਈ, ਜੋ ਦਬੇ ਪੈਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੂਰ ਵੇਖ, ਕਰਤੱਬ ਵੇਖ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਹਿਮ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ।
बड़ी देर तक बैठ के वेखदे आ वो जंगली जानवर मासाहारी जो कई दिन का भुखा है मनुखा शरीर को लाश को आता है गेड़ा ला लेता ओदा मत्था चुमदा ऐ आजिक सुदा जिह को लगे चुम्यों मस्तक जाए। भुख ते प्यास दे नाल ओ बघियाड़ दुखी बड़ा है बेबल बड़ा है ओदे शरीर दी हालत दसदी है कई दिनों तो शिकार नहीं कीता जीव लटक रही है तड़फिया फिरदा है। पर हैरानी की गल अंतां की भुख लगन तो बाद भी बघियाड़ ने वो लाश नूं पाड़िया नहीं नौंदरा नहीं मार इते बड़ा वड्डा सबर भुख लगी होवे ते भोजन पिया होवे कोई फेर ना नुकर करे जा संतोख हो सकता जा पखंड हो सकता। गुरु नानक साहब महाराज भाई मरदाना जी के मुख वल वेख रहे क्योंकि भाई मरदाने दियां नज़रां गह गच हन सिर्फ उस बघियाड़ ते केंद्रित ने उन्हों आउंदा जांदा वेखदे ने। जो भई नहीं खायो हट कर सो गयो दूर जाए पुने आवत पयो। देख की रहे ने दृश्य ना ते बघियाड़ उस लाश नूं खा रहा है जो मास है मनुख दा ते ना उन्हों छड़ के जा रहा है किसी दुर्गा दे विच आउंदा है पैरां नूं सुंघ के वापस चलिया जांदा फिर मुड़े आउंदा है इदां लगदा है भी जद ओह खाण वास्ते आउंदा है कुछ सोच के मुड़ जांदा है जद मुड़दा मन च फिर आउंदा खा लईए। ये जिहड़ी हालत सी ना भाई बाला जी ते भाई मरदाना जी दे अंदर एक ख्याल प्रगट कर रही सी भी हो की रिहा एक मनुख ते नखरे करे भी मैं आह नहीं खाणा मैं ओह पसंद करदा एक मासाहारी जानवर जिहदा खाजा जिहदा भोजन मास है वह इदां क्यों कर। बड़ी देर तक कहते घट्टो घट्ट 20-25 मिनट यह दृश्य चलता रहा बघियाड़ बड़ी दूर चलिया जाता है फिर मुड़ के आउंदा ऐ पग कर और सूंगा ते सारा बिन खाएगा दोबारा फिर उठे है हाथ पैर सूंघे मत्था सूंघे है छाती नूं सूंघे वो जंगली जानवर कहिंदे मनुख दे कोल बह गए बैठा इदां जिवें पता नहीं कुछ सोचता हुंदा कोई पछतावा हो जा किसी नूं उड़ीकदा होवे। श्री प्रभ सो बूजत मरदाना मृतक को इसे समय दौरान भाई मरदाना जी पुछदे आ कहिंदे बाबा जो असी वेख रहे आ तुसी वेख रहे हो। हस के गुरु नानक साहब कहिंदे हाँ मरदाने असी भी उही वेख कहिंदे फिर बाबा एक गल दसो मेरी ते समझ तो बाहर है बघियाड़ मास खाने आया जा नहीं आया जे मास खाना चाहता है मास को जाके लाश को जाके मुड़ क्यों जाता है क्योंकि असी वो दिल की नहीं जानते बाहर के हालातों वेख रहे हैं बाहर के हालात कदे भी किसी के भी कहो जिहे हो सकते भी अंदरों कौन कहो जाए तो कोई भी नहीं जानता आपा कहो जे अंदर नहीं कोई जानता लिबास साडा बाहरों कैसा हो सकता है असी बाहरों हसण वाले हो सकते हैं अंदरों किन्ने गमगीन हाँ दुखी हाँ कौन है जा बाहरों असी गमगीन होए फिरते हैं अंदरों किन्ने हसमुख हाँ किन्ने खुश रहने ये तो कोई नहीं ना जानता। भाई मरदाना जी कहते बाबा मैनू समझ नहीं आई एक जानवर इस घूमण घेरी च क्यों पिया होया तुसी ते अंतर जामी हो दसो ये दिल दिमाग च की चल रहा कुछ तो सोचता वरना जो सोचे ना वो तो आक्रमण कर रहा है वो मास कितने छड़ दे। सतगुरु कहते मरदानिया जरा भाई तू दस दे तू भी ज्ञानी है ब्रह्मचारी है साढ़े को रहना ब्रह्म ज्ञानी हो गया है कहता बाबा मैं वो दिल की नहीं जानता मैं अपने दिल की तो जानता
मैं कदों किस वक्त की करना है की सोचता है की मेरे ख्याल ने सिर्फ मैं इन्हां नूं पढ़ सकदा हां सूंग हट्यो क्यों कहिए स्वामी घट घट की तुम अंतर जामी गुरु नानक साहब दियां फिर सवाल कीता कहिंदे मरदाने आ तू की वेखिया है भुख वेखी है कहिंदा नहीं स्वामी जी भुख एक अलग विशा है मांसाहारी का फर्ज ही मांस खाना है शाकाहारी ने का ही खाना है मर्द में तो यह वेखदा भी वह है मांसाहारी है मांस को आया है वह सूंघ लैंदा सूंघदा नहीं कोई भी जानवर है जी चाहे वह शेर क्यों ना हो बिल्ली क्यों ना हो जंगली कुत्ता जा जंगली सूर क्यों ना हो जद जद वह अपने शिकार के नेड़े जाएंगे पहला सूंघते उन्हां दी सूंघण दी शक्ति स्मैल की कहिंदी है उह तुसीं जाणदे कहिंदे बाबा इह सूंघ लैंदा वापस चले जांदा फिर आउंदा एक वार नहीं पंज तों छे वार बघियाड़ इह जंगली जानवर मासाहारी वापस जाके मुड़ के आए पर हर वार ही क्यों सूंघदा कदे मूँह सूंघ लैंदा कदे हथ सूंघ लैंदा कदे उह पैरां स्मैल करदा महाराज कहिंदे मरदानिया नहीं पता कहिंदे नहीं पातशाह मैं इस गल तो हैरान हाँ मैं कदे ऐसा चूज वेखिया ही नहीं जो अज अखां सामने वापरदा है सुन मरदाने शब्द जो गायो जां तीरदा शुद है व्यायो गुरु बाबा जी कहिंदे मरदाने है सब तेरी कृपा है मर्द वल वेखण लग गया कहिंदा मर्द मेरी की कृपा है ना मैनू बघियाड़ दी बोली आवे ना मैं कदे जंगली जानवरां च रहा ना मेरी खुराक है ना मैं उन्हूं जाना ना उन्हें मैनू वेखिया मेरी की कृपा है गुरु साहब कहिंदे मरदानिया तू रवाब ही ऐसी मजा ते गुरबाणी का शब्द ते रवाब दोनों का समेल जदों एक जंगली जानवर के कन्नां विच पिया मरदानिया इस अमृत बचन ने इस अमृत बाणी ने पापी बघियाड़ का मन मैल तो पवित्र करता सतनाम हिरदा परिवर्तन हो गया जे बाणी का असर पंछियां ते हो सकता है पशुआं ते हो सकता है बंदियां ते क्यों पशु प्रेत मुक्त को तारे पाहन पारे उतारे धुर की बाणी पत्थरां नूं चीर दिंदी पगड़ा दिंदी है पशुआं पक्षियां प्रेतां नूं तार दिंदी है ते बंदे आ फिर तेरे तो वड्डा पापी कौन आ जिहड़ा बाणी सुन के भी सुधरिया सतनाम एक मनुखी है ना जी हजारां शब्द बाणी दे कंठ बंदा करी फिरदा अर्थ भी पढ़ी फिरदा सुणाउंदा भी है असर पूरा भी ते साडे नाल उते जानवर चले पशु चले इसे करके बाणी ने लिखे आ ना पशु मिले वड्याईयां खड़खावे अमृत दे पशु मिले चंगिया कि चंगा गुणा जो पशु मिल जाए वह खल घा खाता है तो अमृत जिहा दुध दिता है अगे मनुखा की सरूपा पाया मर्द ने तगमा दिता है बंदे की हाल नाम भी होने आदमी त्रिक जीवन कर्म करे रब के नाम तो टुटे हुए आदमी बंदे मर्द कि लख लानत है हो जाए त्रिक नाम है लानत का लखा वारी पाई है कहते जो बंदे बन के बंदियां वाले काम ही नहीं करते सतनाम गुरु साहब कहते मरदानिया एक पशु का मन बदल गया जानवर जब उन्हें धुर की बाणी नूं सुनिया कन्ना नाल उन्हें वेख्या नहीं कौन गाँवदा है कहते उस बाणी का असर एक मलेश के मन पर हो गया तो माफ करे जी कह दौ अज धर्मी मास खाते कितने एक बघियाड़ सुन के बाणी मास खाना छड़ रहा है ते आज कल धर्मी कहिंदे आ जी आ खा लैना चाहीदा पी लैना चाहीदा असीं धर्मी हाँ इहदा मतलब फिर नहीं गुरु साहब कहिंदे मरदानिया हिरदा बदल गया उन्हें जान लिया इस मास विच मैल तो सिवा कुछ नहीं इहनूं जिन्ना भी धोई जाओ विचों मैल ही निकल भाई उहदी बिरती पवित्र हो गई है उहदे नक उहदे कन्न उहदी जबान बाणी दे वचनां नूं सुन के समझ के अंदरों साफ हो गए पाप पुन को भयो बिचार पख पख लख आहार
बड़ा सवाल मरदाना जी करते ने महाराज, इनू की समझ आ गया? तो जानवर है। गुरु साहब कहते इनू समझ आई है पाप दे पुन दी, इनू समझ आ गई की खाण वाला है कि नहीं खाण वाला, योग की है ते अयोग की है। माफ करियो, अज बंदे बन के धर्मी बन के सानू पशुआं नू ये नहीं पता भी असी की खाना सी की नहीं खाना सी। अज हरेक धर्म की लड़ाई खाण पीण पिछे है। तुसी ये दसो कोई बंदा बंदगी पिछे लड़ता वेखिया जी? मैं तो नहीं वेखिया। सिमरन पिछे लड़ता हो? नहीं वेखिया। बाणी कंठ पिछे कोई लड़ता वेख्या तुसी ने? जे मैं वेखे अपने जीवन में भावे उम्र छोटी, ज़्यादातर वेखे शराब पीण पिछे लड़ते, वेखे मास खाण पिछे लड़ते। धर्मी बंदे दूजिया तीजिया की गल छो, धर्मी कहाने वाले खाण पीण च फसे हुए ग्रसे हुए। तो गुरु बाबा जी कहते एक पशु नू एक जानवर नू समझ आ गई है मैं की खाना मैं की नहीं खाना, जबकि उहदा भोजन रब ने मासाहारी बनाया। एक मासाहारी जानवर का भोजन मास है। उन्हें वह भी त्याग दिता मृतक बेमुख नाम ते नह कीनो सत संग। गुरु नानक साहब कहते मरदानिया असल गल जेड़ी है ना वो ये है भी जब इस बघियाड़ नू शब्द सुन के ज्ञान हो गया, अंदर तर गया, सुरत जाग गई ना अंदरों, चाहे कोई पशु है चाहे कोई पक्षी है सुरत सब की एक ही है, जोत उही है जिहड़ी साडे च जोत आ उही पशुआं च है, साडी जोत जागदी है उहनां दी सुती हुई। हर किन बंदा जागदा है इनू पता है की वफा की नफा, की नुकसान की लाभ, पशु नू नहीं पता। गुरु नानक साहब कहते इन्हें जो वेख्या ना जाणिया मरदानिया इन्हें यह समझ लिया भी इस बंदे ने नाम नहीं कर दिया, इन्हें अपने जीवन में कदे सत्संग करिया ही नहीं, इतने पापी आदमी है जिदा मैं मास खाण आया सी। जे पापी का मास खावगा उहदे मास की बरती भोजन की बरती हिरदे में जाएगी तो शांति कित्थों आएगी? अमृत बचन गुरबाणी में सुन के उन्हूं इन्ना ज्ञान हो गया भी पापी बंदे का तो परछावा भी माड़ा, गुस्सा का नाम खाणा तो बड़ी दूर की गल है। पापी ना रहना पापी का संगी होना ये बहुत दूर की गल है। जे पापी दे मैं कोल भी बैठा ना तो पिट जा। इसे नूं कहिंदे संगत, चंगिया लोगों की संगत में बैठा के जीवन चंगा तो सचियार होएगा, बुरिया की शोभत च बैठा बुरिया मित्र दोस्त बनावे मित्र बना लाँगे कोल बैठा व्डे मना एक दिन बुरिया का प्रभाव जीवन पर पै जाएगा तो जीवन बुराई से उतर आएगा। गुरु बाबा जी कहते मरदानिया इन्हें जान लिया इन्हें सत्संग नहीं नाम नहीं जपिया, हाथा नाल कदे सेवा कीती नहीं, आंख ना दर्शियो संत कप हृदय ना हर को संग। हिरदे विच रब दे प्यारियां दी मिलाप दी कदे ताग नहीं उठी, अखां दे नाल कदे साधु संत प्यारे नहीं वेखे। ओ मनुख जो मरिया सी कौन सोचता है? बंदा नहीं, बंदा ते डेड बॉडी बन के एक जानवर सोचता कौन नहीं सोचता? कुत्ते बिल्ले जिन्ने जानवर ने सारे सोचते हैं, डिप्रैशन च भी जाते हैं पशु पक्षी सारे जा रहे हैं, खुश भी होंगे दुखी भी होंगे, उन्होंने भी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। किसी पशु का अपना मर जाए रो रो के बुरा हाल कर दे, उन्होंने परिवार च कोई जम जाए कोई भी पैट है वो खुश बहुत होंगे, सब कुछ सेम है बंदे पर, खा पी रहे हैं मौजा करते हैं विकार भोगते हैं परिवारों बच्चों जन्म दे रहे हैं संभाल कर रहे हैं, बस उन्हां कोल एक ज्ञान नहीं अपनी जिंदगी अपने आप ही समझ। गुरु साहब कहते अज समझ आ गई मरदानिया तेरे दर्शन कर ले, तेरी रवाब दियां धुनां सुनिया ने बाणी दे वचना ने उहदी आत्मा नूं जगाया ए। सो पए हस्तन सो कब टहल न कीनी कन्ना दे नाल कहिंदे ने हरी दा जस नहीं सुनिया, रब दी सिफत नहीं सुनी कि तां सुगदा सी, हथां नाल सेवा नहीं की, पैरां नाल कदे ने किसे कीर्त दी यात्रा नहीं कीती, किसे दा भला ही नहीं कीता, हिरदे विच पाप सी, दिल दिमाग विच माड़ी बिरती शाही सी। कहिंदे इक बघियाड़ जाण गया, सतनाम
एक जंगली जानवर जान गए है। जानवर अज भी वफादार है, मालक दुखी हो गए ना ते घरे रखिया कुत्ता जड़ा है रोटी नहीं खाता, दुध नहीं पीता, उन्हें पता है मेरे मालक दे उत्ते कोई चिंता है, इहदे नाल कुछ बुरा होने वाला है, ये सुखी नहीं है, वह भी उदास रहन लग जाता है। एक बंदा है जिन्हें 100 बार दुख भी दसीए तो बंदा होके भी कदे समझ ही नहीं आई, कदे समझ ही नहीं आई, पर पशुआं नूं समझ है, जानवरां नूं समझ है। दीन दुनिया के मालक कहिंदे मरदानिया वेख रब्बी बाणी का असर कैसा है, एक जीव का हिरदा अंदरों तब्दील हो गया, जाने सब अंग अपवित्र इस खावण ते होए अधोगत। इस बघियाड़ ने जानिया भी जेदा शरीर मैं खा लिया ना मास ते मेरा शरीर अपवित्र होएगा, पापी होएगा। गुरबाणी का फैसला, बिन सेवा त्रिग हाथ पैर और निफ। सेवा केड़ी? रब दे बनाए मनुखता की सेवा, रब दे साजे जीवा की सेवा। कहिंदे जे ये नहीं करदा ना, किसे पशु नू दुध नहीं पिलाया, भोजन नहीं छकाया, किसे लोड़वंद नू कपड़े नहीं दिते, रोटी नहीं खवाई, हाथ पैर किसे गरीब दे दलिद्री दे दुखी दे कुटे ना, कादी सीमा है। मर्द कहिंदे फिर तू त्रिग है, लानत योग है जे तू गुरु की सेवा गुरु के सिखा की सेवा नहीं की। कहते बुरने तेरे जिन्हें कर्म ने सारे निष्फल, जे तेरी बिरती पवित्र नहीं, तेरे अंदर भावना ही नहीं है, भावना कहती है मनुखता की सेवा की, कोई भुखा ना सोवे कोई प्यासा ना सोवे, यह सेवा। गुरु नानक साहब कहते वरदानिया जान गया भी जे इस पापी बंदे का एक टुकड़ा भी मेरे मुख में आया, मैं तो पहला ही किड़े जन्मां का वारिया तुरिया, किड़े पापा नूं भोगदा फिरदा, किते होर टेढ़ी जून मैनूं प्राप्त हो गए ना। जाते तज्यो सो मरदाना, बिना नाम कब नहीं कल्याणा। मरदानिया बिना परमेश्वर दे नाम तो कदे मुक्ति नहीं हो सकती। गुरु नानक साहब जी ने उच्ची आवाज विच शब्द कह दिया, भाई मरदाना जी बड़े सरद हैं, रब दे बनाए जीव रब बारे जानते हैं, एक बंदा ही है जिन्होंने रब बारे नहीं पता, जोड़ा ये कहता पता नहीं रब हैगा कि नहीं हैगा, कड़ा किसी ने बंदा कहता कदे कोई पशु पक्षी नूं वेखो उन्हां दे ये विचार ही नहीं, वो इन्हां गल्लां च पैंदे ही नहीं, वो जिन्हें साजे ने सदा उन्हूं नमस्कार करदे, सदा ही उहदे गुण गाउंदे, ये प्रेम दीआं गीतां। गुरु नानक साहब कहते मरदाने जे मनुखा शरीर में नाम ना जाए बघियाड़ की जून प्राप्त होगी, पर उन्हों जूना नालों तो आ जून चंगी नहीं समझ लिया, क्योंकि धुरकी बाणी जीवन का तबादला कर देती। जब कोई पापी भी आके ना भगती करता है सिमरन करता है, पापी पापी रहिंदा नहीं। फल नर शरीर है सोए जिन कब्यहू सतसंग न जोई। उस वेले मर्द ने बचन आखे जिन्हां जीवां ने कदे सतसंग नहीं ना कीता, भाई मरदाने उन्हां दा जीवन निष्फल है, धरती ते आउणा ना आउणा एक बराबर है, मनुख होना उन्हां लई कलंक है, क्योंकि उन्हां कदे सत दा संग ही नहीं कीता। सतसंग उन्हूं कहिंदे जिथे सत दी गल होवे, रब दी गल होवे, गुरु परमेश्वर दी गल होवे, बंदियां दीआं सिफतां जिथे हुण उह सतसंग नहीं हुंदा उह कुसंग हुंदा है। जिथे किसी बंदे की वडियाई करता है, कोई सिफत करता है, कोई माण सत्कार करता है, वो सतसंग नहीं हो सकता। सतसंग केवल यो है जिथे सत दा संग होवे, गुरु दी रब दी परमात्मा दी गल होवे, उहदी सेवा होवे। साहिब कहिंदे सतसंग तो बगैर जीवन अधूरा हुंदा है। नाम जपण नर जग में आयो भुल्यो ताही विषय लपटायो। भाई नाम जपण वास्ते मनुखा जन्म प्राप्त होया, बंदा विषया विकारा च भुल गया, विसार की नाम विसार लगे अन लालच बिरथा जन्म प्राणी। साहब कहते प्राणिया तेरा जन्म बिरथा बेअर्थ है, किसी काम नहीं जे नाम नहीं जपया। बंदा सोचता शायद दुनिया ते जमे आ परिवार पालन, ये पशु भी पाल,
जे तू सोचे धियां पुत्तां दा मोह करना है ते पक्षी भी करते हैं पंछी भी करते जे तू सोचे बेकार भोगने ते सारे जानवर भोगते हैं कीड़ी तो लैके हाथी तक केड़ा जानवर है जिहड़ा कामी नहीं है क्रोधी नहीं है जिहड़ा लोभ नहीं है उन्हां नूं भी बस उन्हां च हंकार नहीं इसे करके वह शायद मनुख नालों थोड़े सुख गुरु पातशाह कहते जे मनुखा जून में आके मनुखा जीवन में आके मरदानिया नाम नहीं ना जपया सतसंग नहीं की रब रब चेते नहीं किया ते ओ मनुख धरती ते पार हुंदे ने सुन के नमुकीन मरदाने धन प्रभु सच करत बखाने जो सतगुरां तो वचन सुने भाई मरदाना जी ने उठ के गुरु नानक साहब जी के चरणा ते सीस रख दिता कहते महाराज धन्नो तुसी जो समय समय नाल मन नूं चोटा मार के जगाउंदे रहिंदे हो सतनाम मन साडा फिर इधर उधर चले जाए गुरु साहब ने उपदेश बख्श दिता कहते ये वचन कहण की देर सी बघियाड़ नेड़े आया दूरों मत्था मर टेकिया जिथे लाश पई उथे जाके लाश हो गया सतनाम शरीर का पीका प्राण छड गया इस देह नूं छड के एक सरूप में जाके लीन हो गया जो उहदा निज सरूप सी जो रब का सरूप सी क्योंकि जिन्नियां भी ये जूनां ने सारियां भोग जूनां ने मनुखा जन्म च कीतियां गलतियां सब नूं भुगतनियां पैणियां ते सारे भुगतदे ने मत कोई सोचे मैं सारी जिंदगी पाप करके ते चार दिन धरनी बन गया मेरा खैड़ा भी बन जे ज्यौंदे जी अपने जीवन में सेवा सिमरन बंदगी तप दान पुन भगती नहीं कीती ना किसी की भगती ते किसी दे तप ने तुहानू नहीं जेदार सतनाम आप करना पैणा है रोटी तुसी ना खाओ आखो जी गवांढी रोटी खा लू ते भुख मर जूए नहीं होना साहब कहते चंगे कर्म हथी करने पैने आ तेरे मरिया तो बाद तेरा परिवार चंगे कम करता बंदिया फिरदा कोई फायदा नहीं वो तो भजे फिरदे आ भी जे माड़ा मोटा पुनदान ना किया कि मरिया घर ही ना आए इतों बद कुछ नहीं तुरे फिरते भी कीरतपुर साहब जाओ कपड़े भी नाल लैजो सुटे आओ वेखी कि बापू को ख्याल आ जाए भी कुर्ता पजामा अलमारी इधर ना आ जाए उदो भी आवाज मार के कहते चल भी फलाना सिया बैठ गड्डी में चलिए देखिए ना लोगों का करती है ना दुनिया अपने नूं कही जाते हैं तो इतों तक हाल माड़ा है कोई कैनेडा तो अमेरिका तो आया ना फुल लग गए लख लख रुपए दी टिकटां करोना काल में फिर भी लोग एक सीट बुक करा के उहदी अस्थियां रखी फिरदे कहिंदे जिहड़ा मरिया होया जहाज नाली चलिया वो की पता जमा ने कितने घड़ीसिया होया वो कितने बैठा इकोनमी क्लास पता नहीं है मिट्टी रह गई सिर्फ एक बंदा भरम पाली फिरदा है मरण तो बाद शायद कोई साडे दान पुन करके बच जाएगा गुरबाणी ने स्पष्ट आ किया ठीक है धर्म दियां रौ रीतां ने करनियां चाहीदियां ने इसलिए करी दियां ने भी जब कोई बंदा थां ते जांदा ना कीरतपुर साहब उहनू याद आउंदा है भी साडे वड्डियां ने इन्ना कुछ कीता उह ना रहे ते तू कित्थे रहेगा तू ना पाप कर तू ना कपट कर तू ना अहंकार कर धर्म दियां रवायतां इह ने भोग पाया जांदा है उत्थे जिहड़ी कथा सुनाई जांदी कीर्तन सुनाया जांदा मरे नूं थोड़ा सुनाया जांदा किहनू सुनाया जांदा ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜੇ ਸਭ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈ ਮੌਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੋਗ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਲੈ ਖੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਦੇ ਮਜ਼ਾਲਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾਲੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆਨੰਦ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜੂਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭੋਗਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਾਜ ਭੋਗਿਆ ਏ ਅਪਰ ਥਾਨ ਪੁਨ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ
ਆਵਾ ਕਾਨਨ ਅਦਕ ਪਿਆਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਦਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਮੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ, ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੌਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਲਵਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਾਲਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲ। ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਟਿਰਬੇ ਕੱਟ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਰਾਜ ਸਨ, ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਸਨ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਔਖਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੰਘ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਗਏ, ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ। ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਖੇਤ ਵਿੱਚੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੇ ਪਿੰਡ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੁੱਖ ਝਾੜੀਆਂ ਖਿਲਾਰਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਥਾਂ ਬੜੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸੀ, ਫਲਦਾਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ, ਹਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕੰਦ ਮੂਲ, ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਪੌਦਾ ਸੀ ਕੇਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੀਜ ਸਨ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਕੇਲਾ। ਅਤੇ ਕੇਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਦ ਮੂਲ ਨੇ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਰਜ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਰੇਤਲਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੇਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜੰਗਲ ਮਾਰੂਥਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਰਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਰੇਤਲੇ ਥਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਰਜੀਤ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘੁੰਮਣਗੇ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਰੇਤਾ ਉੱਡਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਾਂ ਜਾਏ ਬੈਠੇ ਗੁਣ ਖਾਨੇ, ਜਿਉਂ ਹੋਈ ਤਿਉਂ ਸੁਣੋ ਕਹਾਣੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ।
बड़ी देर तक वचन करते रहे, वचन करते करते सतगुरु ना लैके चादर आराम फरमा रहे गुरु नानक साहब। सिखर दोपहर का समय जी चादर को महाराज ने उपर लै ली, ओढ़ लई जी, गर्मी की रुख से रुखा की छावे आ, सामने रेता ही रेता, दूर तक झाड़िया ही झाड़िया ने। कहते अचल चेत हवावां घूमन लगी, जो हवा घूमती है वाह रोले आते आवाजा आदियां ने हवा। गुरु नानक साहब जी के मुख तो चादर उड़ जाती है, फिर मुखते पर उस चादर को फड़ के गुरु पातशाह आराम लेटे हुए, मौसम की परवाह ना की। उठे विशाल पैदायक आरन रंग गिरी, इन्नी नेरी एकदम उठी आ, धरती की मिट्टी आसमान चढ़ गई, लाली चढ़ गई चारों पास, आसमान बदल आ गए, बारिश वाला मौसम हो गया, कहते नेरा हो गया, पर यह मिट्टी अखा आके पैन लग गई। इतों तक गुरु नानक साहब जिया के मुख से लई हुई चादर लथ गई, उठ के बह गए सच्चे पातशाह रुख नाल सराहना लाया पिठ लग गई। भाई मरदाना जी पे से वह भी उठ के बह गए, पतला जिहा शरीर है, कहते नेरी बड़ा खतरनाक रूप रुद्र रूप धारण कर रही है, धरती लाल दिसदी है, आसमान लाल दिसदा है, नेरा छा गया, पंछी घरां नूं मुड़ गए, जानवर दिसदा कोई नहीं, रुखां दी हालत ऐसी हो गई कि अज नेरी तोड़ गए, सारे बड़े बड़े रुख जड़ां तक हिलण लग पए। प्रभ जोर लगावा कंकर धूर उड़ी नब छावा, आसमान दे विच धूड़ मिट्टी उड़ी है, कहिंदे इत्थों तक पत्थर उड़ने शुरू हो गए। तुसीं आप सोचो जी पैरामीटर किन्ना खतरनाक हो, किहड़ी नेरी जिहड़ी पत्थर उड़ा दिंदी है, कंकर उड़ा दिंदी है, बड़ी वार हुंदा इत्थे नहीं विदेशां दे विच तकरीबन टापुआं दे उत्ते फॉरन दे विच बहुत जबरदस्त नेरियां हो गई, टर्नाडो हो गए, गड्डिया तक घर तक छत्त उखाड़ भी लेना। चलो अपनी धरती तो खैरियर है, अपने इन्ना कुछ नहीं है, हाँ गोवा दिया बीचा तो कुछ हो जाता समुद्री किनारे आते, अपने तो कदे पंजा दसा भी साल बाद खतरनाक तूफान आता है, पर अज पहली बार इस धरती पर ऐसा कुछ होया कि नैचुरल नहीं सी, एक कुदरती वर्तारा नहीं सी जो हो रहा सी। गुरु नानक साहब जी कहते पत्थर उड़ के आने लग पे, गुरु बाबा जी ने मुख अगे हाथ किया, कहते नेरी इन्नी जोरी सी हाथों भी हिलाती है, दोहरा बिरख चले जे संग उड़ होयो ते मर्ग मार। जदों बहुता नेरा धरती ते छा गया कहते नेरी होर खतरनाक, तूफान होर खतरनाक। भाई बाला जी कहते असी एक दूजे नूं हाथ पा के रुख नूं फड़ के बह के साडे सामने कई रुख जड़ां तो उखड़ के उड़ गए, ऐसा चूल वापर गया। गुरु नानक साहब कहते मरदानिया डरना कुछ नहीं होता, डर इस करके गए भी दरख्त पटने शुरू हो गए, जड़ां डिगने शुरू हो गए, नेरी घूम घूम के आउंदी आ, कपड़े पाड़ती जा रही है, घुप हनेरा हो गया, तुरिया भी नहीं जा सकता, धरती ते बैठे आ भी जांदा नहीं, हाथ पसार न सूजई दुख बो देवने हार। कवि जी कहते ऐसा दुख उस वेले आया, नेरी दी हवा भी शरीर नूं सट्टा मार, बहुत ही तेज हवा होवे ना, कदे समुद्रा दे बीच ते खड़ के वेखो, बहुत ही तेज हवा होवे स्किन नूं फील होंदी है जिवें सट वगदी है, कोई चप्पल चक के मार कीता फील होंदी, कहते सट्टा बजनिया शुरू हो गई हवा के इस धुप हनेरे जो उठते हैं तो चला के सुट दिंदी है नेरी। गुरु नानक साहब महाराज कहते मरदानिया भज ना भाई कि जा ना भाई, बाला जी कहते अज मैं भी डर गया हवा भी हो गई है, पर गुरु बाबा जी अडोल बैठे, सतगुरां ने साडी बांह फड़ी सानू बिठा लिया। मैं क्या महाराज ये कोई कुदरती वर्तारा नहीं लगता, कुछ खौफनाक भयानक मंजर साडे नाल बीतण वाला है, इन्ना नेरा हो गया, इन्नी तेज हनेरी चल रही है, अज तक जिंदगी इतने तक पहुँच गई, इन्नी उम्र हो गई, इदा का तूफान नहीं देखिए, ये कोई खतरनाक घटना है, कुछ बुरा होगा। चौपाई
जब मर्दाने थी दिश देखा जिदै मर्द पै कीन बसेखा। अचल चेत भाई मरदाना जी ने उची उची रौला पाता चीका मारनिया शुरू कर दी। एक ब्रह्म ज्ञानी सिख का डर जाना तुसी सोचो हालात किहो जिहे क्रिएट होए हन। भाई मरदाना जी ने रौला पाता बाबा बचा लो। गुरु नानक साहब जी की गोद में अपना सिर रख लिया। कहिंदे उन्हां कुछ ऐसा भयानक वेखिया जो वेख के जरिया ही ना गया। दर्द एकदम जब मौत किसी को ही सामने दिसदी है ना वड्डे वड्डे योधे हार जाते हैं। अचल चेत हो कि जान के पता हो सामने भी अज मरना है मन बनया हो फिर परवाह नहीं मौत की। अचल चेत हर कोई एक बार तो ख्याल करता ह्यूमन बीइंग है मनुखा सुभा है। भाई मरदाना जी ने उची उची रौला पाना शुरू करता चीका छड़ दित्तियां बाबा जी बचा लो अज बचना औखा हो गया है। आनन पर अंबर को पायो ओड़ियो भूम बिखे अकल लायो। धरती वाल वेख आसमान वाल वेख भाई मरदाना जी एकदम लम्मे पै गए धरती। बहुतियां तेज हनेरियां हम सियाने लोग धरती ते लम्मे पै जाते भूचाल आ जी तूफान आ जी बचा दा इको ही साधन लम्मे पै गए भाई मरदाना जी पर नेरी उन्होंने पैन नहीं दे रही सजे खब्बे चला चला मारती है। गुरु नानक साहब जी के चरण फटते कहते बाबा तू बचा दे कोई गलती हो गई होनी मेरे कोई गुनाह हो गया होना मैं किड़े हालां च आ गया मेरे ते तरस करो। श्री नानक सो बचन उचारे बड़े उड़ियाने आन के मारे। गुरु नानक साहब नूं पता की कहिंदे कहिंदे महाराज मैनू तो यह लगता है भी आ जंगल दे विच मरना जरूर है इत्थों जिउंदे नहीं आवांगे अपना तो किसी ने संस्कार भी नहीं करना। सतनाम ऐसी खेड मेरे पातशाह ने रच दित्ती। भाई मरदाना डरन वाला थोड़ी है जी गुरु ने डराया सतगुरां खेड वरताई है महाराज मैं मर जाना है कुछ हो जाएगा ऐसा आप कितने आ गए लगता अज आना ही मौत मरांगे ये तो मरण का समय ही नहीं आया। ये कह कह के भाई मरदाना जी रो उची उची बोलन महाराज बचा लो सच्चे पातशाह कृपा कर दियो मैं किहड़ी गुस्ताखी कीती किहड़ा गुनाह कीता जो इन्हां हालां च आ गए किहड़े जंगलां विच घिर गए आ ना दिशा का पता लगे ना थां का पता लगे ना अपने आप का पता लगता है। और कफन ते भी हो रहा आन बहुतो दुख लहा। सहज सुभा मर्द केड़ी बिपता विच मैं आ गया मैनू ते लगदा मर के इत्थे कफन भी नहीं मिलना। सतनाम जे मैं पिंड दे नेड़े तेड़े मरदा कोई कफन दे पा दिंदा आपां ते तिन्ने फकीर आ इत्थे कोई बंदा ना बंदे दी जात सैकड़े किलोमीटरां तक कोई दिसदा नहीं मर्द जंगली जानवर लाशां नूं खा जाणगे कफन भी नसीब नहीं होणा। तकरीबन तकरीबन भाई मरदाना जी इन्ना कु डर चुके ने ये मन चुके ने भी मौत आ गई है हुण लै गए हुण मौत तों डरदे वो अचन चेत मौत दे कारणां तों डर रहे ने कि मैनू तो पता सी लम्मी उम्र है मेरी अजे वक्त कढ़ना मैं बंदगी करनी है गुरु बाबा जी का साथ मैं नाल देना है आ किहड़ी विपता जा गई। कहिंदे भाई मरदाना आखे बाबा बख्श लै बचा लै पातशाह मेरा तेरे बिना होर कोई नहीं। बिग सत श्री मुख धीरज दीना क्यों मरदाने तै पै कीना। हस पे गुरु नानक साहब उची उची कहते सतगुरां दे हसण दी आवाज घुमदी हवा च होर खतरनाक लगन लग गई। मर्द कहते मरदाने तेनू मरन नहीं दिंदे तू नहीं मरदा कहिंदा बाबा जिहड़े हिसाब नाल तूफान आ गया बचदा मैं भी नहीं मैनू लगता है बचना नहीं साहब कहते डर नहीं ਇਹ ਜੋ ਆਇਆ ਵਕਤ ਇਹਨੇ ਟਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਸਮੀਪ ਆਏ ਕਛ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਭਇਓ ਅਧੀਰ ਕਨੇਰੇ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮੁੱਖ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਆ ਸਤਨਾਮ ਦਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਚੋਦ ਵਰਤਾਉਣਗੇ ਖੇਡਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੌਫ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ
कल दे दीवाना च आनंद माणांगे। वाहे गुरु वाहे गुरु।